नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले दो शानदार खिलाड़ियों के बारे में, जिनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने IPL 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया है। यानी वो हमें IPL 2024 में अब दिल्ली कैपिटल्स टीम की तरफ से नहीं देखने को मिलेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को हमेशा की तंताजु खराबी दिल्ली कैपिटल्स टीम के फैन हैं और आप भी चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीमें IPL 2024 की ट्रॉफी जीत जाए, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जरूर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको दिल्ली कैपिटल टीम से जुड़ी अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल्स टीम की न्यूज़ सबसे पहले देखनी है तो भी आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए हमें टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आपको दिल्ली कैपिटल्स टीम की न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था, जिसके बाद से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने IPL 2024 से पहले बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है, जिसमें हम आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने कोचिंग स्टाफ से दो शानदार खिलाड़ी को अब रिमूव कर दिया है, जिसके बाद से कंफर्म हो चुका है कि वो हमें IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स टीम की कोचिंग स्टाफ में अब नहीं देखने को मिलेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि हमें इस लिस्ट में सबसे पहले देखने को मिलते हैं वो हैं शेन वॉटसन, जबकि दूसरे नंबर पर आते हैं वो हैं अजीत अगरकर, जिसमें हम आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इन दोनों शानदार खिलाड़ियों को IPL 2024 से पहले अपने कोचिंग स्टाफ से अब हटा दिया है, जिसके बाद से कंफर्म हो चुका है कि वो हमें IPL 2024 में अब दिल्ली कैपिटल्स टीम के कोचिंग स्टाफ में नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पहले रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिकी पोंटिंग को भी रिमूव कर सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कन्फर्म हो चुका है कि हमें रिकी पोंटिंग की IPL 2024 में भी दिल्ली कैपिटल्स टीम की कोचिंग स्टाफ में कन्फर्म देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आपको हमीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक IPL 2024 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जरूर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।